नमस्कार, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। इस बार पंचम होल के बारे में जो उत्सुकता है उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा आज के वीडियो में। आज के पहले के वीडियो में मैंने पंचम होल को तैयार कैसे करना है, उसका छेद कहाँ करना है और मेजरमेंट्स और उस बारे में बात किया था। आज पंचम होल के उपयोग के बारे में मैं बात करूँगा और ये उपयोग मेरे टेक्निक में मैं कैसे इनकॉर्पोरेट करता हूँ उस बारे में मैं बात करने वाला हूँ। और भी लोग हैं, मेरे गुरु भाई प्रवीण गोडखिंडी जी बजाते हैं, जिनके पिताजी मेरे गुरुजी वेंकटेश गोडखिंडी जी ने पंचम होल का इंट्रोडक्शन किया था बांसुरी में। और ये जो होल है ये वेस्टर्न म्यूज़िक में रिकॉर्डर इंस्ट्रूमेंट आता है, वेस्टर्न क्लासिकल में रिकॉर्डर में जो थंब होल का एक पोजीशन, थंब का जो पोजीशन है वहाँ पे एक होल है जिससे प्रेरित होकर के उन्होंने बांसुरी में उसका प्रयोग किया है। और रिकॉर्डर का जो थंब होल है वो बड़ा अलग काम करता है, उसमें ऑक्टेव ऑफकोर्स उसमें वो जो थंब होल के जो पोजीशन में जो नोट बचता है उसको हम पंचम नहीं कह सकते क्योंकि वो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है और उनका षड्ज पंचम हर बार बदलते रहता है। बहरहाल उसमें ऑक्टेव हल्का सा ओपन करके उसमें नेक्स्ट ऑक्टेव भी पूरा बज सकता है, बट इसमें बांसुरी में वो टेक्निक नहीं यूज़ किया जा सकता। बांसुरी में ये मूलतः पंचम के यूज़ के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो इंट्रो रोल करें। जैसे कि आपने देखा मैंने अभी राग मारू बिहाग बजाया है और इसमें जो पंचम का उपयोग हुआ है पंचम होल के थंब होल के ज़रिए उसका एक छोटा सा उदाहरण था जो इस होल के बग़ैर ये कुछ इनमें से कुछ पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो पाती। कुछ जो फ्रेजेस मैंने आज इस आलाप में बजाया था वो पंचम होल के बगैर, थंब होल के बगैर नहीं बज पाती बांसुरी में। जैसे आप सभी जानते हैं, जो भी बांसुरी बजाते हैं जिनको इसका ज्ञान है आप तो जानते ही हैं। तो ये पंचम होल क्या है और इसमें अगर आपने प्रयोग किया है पंचम होल का और आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं अगर आप करने की इच्छा रखते हैं, और जैसे आपने मेरे पहले वीडियो को देख के इसके पहले वाले वीडियो को देख के जहाँ पे अगर आपने पंचम होल बनाने की खुद भी कोशिश करी हो या आपके फ्लूट मेकर से आपने पंचम का होल बनवाया हो तो इसके इस्तेमाल में आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और कैसे एक्सरसाइजेस करने से इसे हम बेहतर बना सकते हैं अपने हाथ में टेक्निक को लेकर के, ये सारी बातें मैं अभी बताऊंगा आपको। और सबसे पहले तो आपको प्लीज़ मेरा पहला वीडियो जो 3-4 साल पहले जो मैंने किया है उसमें हाउ टू प्रॉपरली होल्ड बांसुरी के बारे में मैंने बताया है, वो देखिएगा प्लीज़। और उसमें मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है और बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि मैंने इस बात के महत्वता को बहुत काफ़ी बताया है कि अंगूठे के पोजीशन और उंगलियों के रखाव का पोजीशन इतना एफर्टलेस होना चाहिए कि उसमें कोई भी फ्रेज बज पाए। और उसमें मैंने ये भी बात बताई थी कि अगर आपका
कहीं पर भी उंगली स्टिफ होता है तो उसे रिलैक्स करने की ज़रूरत है। और जब आप बजाने की उंगलियां फ्लूट को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आप बजा नहीं पाएंगे फ्लुएंटली उसको, ये भी बात मैंने तभी बताई है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ एक बार जाकर के देख लीजिएगा। थोड़ा बहुत पुराना मेरा वीडियो प्रोडक्शन है तो थोड़ा कच्चा भी है वीडियो, बट आपको मुद्दा समझ में आ जाएगा। तो उसके आगे चल करके मैं ये बात कहूँगा कि सबसे पहले अंगूठा, बहुत लोगों को अलग अलग जगह रखने की आदत होती है, किसी को बांसुरी के ये इस उंगली के बिल्कुल नीचे रखने की आदत होती है, किसी को यहाँ रखने की आदत होती है, कोई दूर पकड़ता है उसको, जिस वजह से उंगलियाँ स्टिफ हो जाती हैं या सीधी हो जाती हैं, जिन्हें आपको कर्वेचर में लाना ज़रूरी हो जाता है। और जब एक बार थंब होल आ गया आपकी बांसुरी में तो उसे इस्तेमाल करने के लिए आपको आपके अंगूठे को उसके ऊपर लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसमें सबसे पहली दिक्कत ये होती है कि आपको इसकी आदत नहीं है, तो जिसको उंगली दूर रखने की आदत हो या उंगली अलग जगह रखने की आदत हो, वो जब उसे पंचम होल की तरफ वापस, उंगली माने मैं अंगूठे की बात कर रहा हूँ, वो जब पंचम होल की तरफ उसे ले जाएगा तो उसके उंगलियाँ उसके पहले पुराने पिछले वाले रखाव के हिसाब से या तो ऊपर जाएंगी या नीचे चली जाएंगी, जिसकी वजह से उसके गंधा, ऋषभ और षड्ज वाले पोजिशन में बहुत तकलीफ होगी। तो इसे आपको लगभग शुरुआत ही समझ लीजिए, आप अगर आप पंचम का होल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वापस बांसुरी सीखने की शुरुआत ही समझ लीजिए। उसका कम से कम उंगलियों के रखाव का जो आपके ऊपरी हाथ का जो काम है, मतलब अगर मैं लेफ्ट हैंडेड होता तो मेरा ऊपरी हाथ मेरा दाहिना हाथ होता, अब मैं राइट हैंडर हूँ इसलिए मेरा ऊपरी हाथ मेरा बायां हाथ है, तो मैं अभी इसके आगे ऊपरी हाथ और निचले हाथ के रेफरेंसेस में बोलूँगा ताकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड में आपको कन्फ्यूज ना हो। तो ये कह रहा था कि इस के रखाव का इसकी आदत पड़ना, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि जब आप पंचम यूज़ करते हो तो आपने गौर किया होगा मेरे मारू बिहाग के आलाप में या और भी वीडियोस में, जब मैं पंचम यूज़ करता हूँ तो मेरा ये हाथ पूरी तरह बांसुरी से अलग हो जाता है। इस हाथ का कोई भी उंगली ना हाथ का कोई भाग बांसुरी को पकड़ने में कोई मदद नहीं करता मुझे। मैं बांसुरी पकड़ता हूँ इस अंगूठे से जो नीचे से दबा के ऊपर पकड़ता है इसको, और इस छोटी उंगली से जो दूर करता है बांसुरी को मेरी तरफ से, ताकि ये मेरे जबड़े पे यूँ मेरे होठों के नीचे यूँ रेस्ट कर पाए और बांसुरी बहुत ज़्यादा आसानी से पकड़ी जा सकती है। इसमें कोई मुश्किल है ही नहीं इसमें, बल्कि दिस इज़ द राइट वे टू डू इट, क्योंकि ये सारी जो तीन उंगलियां हैं ये तो बजाने में लग जाती हैं, और इस हाथ में जब बजाने का काम होता है तो ये हाथ तो आपकी फ्लूट पकड़ी हुई ही है, तो आपको यहाँ पे भी आपको यहाँ पे छूट मिल जाती है इस हाथ से बजाने के लिए फ्लुएंटली, बहुत सारी चीज़ें बच सकती हैं। काफ़ी सारे लोग मैंने गौर किए हैं, मैंने गौर किया कि जो पकड़ने में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके हाथ बंद जाते हैं, और उसी लिमिटेशन के साथ वो जितना उनकी उंगली से बात निकलती है उतना ही बातें, उतनी ही बातें वो बजा पाते हैं और उसमें खुश रहते हैं। इसमें खुश नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, इससे और परे होकर के आपको और कोशिश करनी चाहिए। ये मेरी ये मेरा मैं प्रोत्साहन समझ लीजिए, ये मेरी सलाह है, और इसे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो उंगलियां बजाने में इस्तेमाल की जाती हैं उन उंगलियों से प्लीज़ बांसुरी को मत पकड़िएगा। और एक बात, पंचम होल हो ना हो, तीव्र मध्यम के पोजीशन में बहुत लोग, मुझे उम्मीद है कि ये दिख रहा है, बहुत लोग इस उंगली से बांसुरी को चिपका लेते हैं, इसे उन्हें ये डर रहता है कि बांसुरी बाहर की तरफ गिर जाएगी, ये नहीं गिरती। इस उंगली को दूर रखना बहुत ज़रूरी, तीव्र मध्यम के जगह पे, ख़ास करके जब आप तीव्र मध्यम बजाते हैं या खुला पंचम जो थंब होल का पंचम बजाते हैं उसमें ये इस हाथ का बाहर आना बहुत ज़रूरी है, और ये ध्यान पूरी तरह से रखें, ख़ास करके पहले हफ्ते 10 दिन के अंदर जब आप पंचम होल यूज़ करके नया नया प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान बहुत ज़्यादा रखिए। अगर आप पंचम होल ना भी यूज़ करें तो भी इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि तीव्र मध्यम जो है, मैं अभी आपको सुनाऊंगा कि तीव्र मध्यम हल्का सा कणसुरा बजेगा अगर हाथ चिपका होगा तो, मैं सुनाऊंगा, सुनिए। ये सही तीव्र मध्यम है, तीव्र माने शार्प, तीव्रता उसकी बरकरार होनी चाहिए तब जाके वो तीव्र मध्यम लगता है। अब ये देखिए, अगर आप सूक्ष्म रूप से सुनेंगे तो आपको ये तीव्र मध्यम हल्का सा कण और फिर सुर में बैठता हुआ सुनाई देगा।
जिनको वो सुनाई नहीं दे रहा है वो प्लीज़ और ध्यान दे करके सुनिए, वो हो रहा है और आपको पता चलना चाहिए वो चीज़, और आपके कान और तैयार हो जाएंगे। दूसरी दिक्कत ये आती है कि इसमें पंचम के चयन की बात बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप कौन सा पंचम चुन रहे हैं। अभी हमारे पास दो पंचम हैं, बाकी सुरों के तो एक ही वर्जन हैं, धैवत निषाद षड्ज ऋषभ गंधार मध्यम, सारा एक ही वर्जन है। और पंचम के चयन, जो चॉइस हम करते हैं कि ये वाला पंचम या ये वाला पंचम, इन दोनों की चॉइस किस पे डिपेंड करती है, इस सवाल का जवाब ये होगा कि आप फ्रेज क्या बजा रहे हैं। आपके पंचम वाले फ्रेज में धैवत निषाद इन्वॉल्व है या मध्यम गंधार इन्वॉल्व है, ये सारी बातें सोचनी पड़ती हैं। और अगर धैवत निषाद ज़्यादा, निचले हाथ का अगर काम ज़्यादा है तो ये पंचम यूज़ कीजिएगा, लेकिन ऐसा भी वक्त है जहाँ पे ऊपरी हाथ का ज़्यादा काम है, निचले हाथ के काम के होते हुए ऊपरी हाथ का पंचम आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको। मारु बिहागी लेते हैं, पंचम पे मुरकी है, आ गप आरे सा गरे सा, अब गरे में मींड है, आ ये मुरकी है। अगर पंचम का होल ना हो तो ये छेद नहीं होता, तो मैं इसे बंद ही रखूँगा और यही फ्रेज बजाऊँगा मैं आपको, रे गरे मींड पे सा, ठीक है। ऐसे बजना चाहिए। बहुत सारे लोगों को म ध के जंप में भी तकलीफ होती है, आपको उसके जंप में, उसकी डिटेल, उसका अलग ही एक सब्जेक्ट ही अपने आप में म और ध, क्योंकि धैवत को जोर ज़्यादा लगता है। मध्यम के मध्यम बजाते वक्त जोर कम करिए, धैवत के टाइम हल्का सा जोर बढ़ाइए। ये हर बार इस पे आपको ध्यान दे करके उस जगह पे आपको बजाना है, और ये करते जाएंगे और पहली बार में कोई चीज़ नहीं आती, आपको इसे कम से कम नहीं तो 2000-3000 बार करके देखना पड़ेगा। दिन के 2-3 घंटे इसमें निकालिएगा, ये एक फ्रेज बजाने के टाइम, गाना बजा के निकल मत जाइएगा, उसे रियाज नहीं कहते। ये फ्रेज है। अब मैं इसमें दो तरीके से दोनों पंचम, एक तरीके से दोनों पंचम यूज़ करूँगा और एक तरह बजाते वक्त एक ही पंचम यूज़ करूँगा, अंगूठे वाला। अब दोनों पंचम का इस्तेमाल सुनिए। आप सुन सकते हैं कि वैसे ही काफ़ी मीठा हो गया, काफ़ी स्मूथ हो गया है ऑक्टेव जंप, सिर्फ मध पे ऑक्टेव कटता है, लेकिन चूंकि वो मुरकी है उस पर इतना, अगर आपने मध पे जैसे मैंने पहले बताया काबू पा लिया है उसके स्मूथनेस पे, तो आपको ऑक्टेव कटने का इतना ज़्यादा भास नहीं होगा। मैं इसको अभी डिटेलिंग में करूँगा, एक एक नोट करके बजाऊँगा। आपने उंगलियां ऑब्जर्व करी होंगी, मैं ऊपर से ध से नीचे आते वक्त ये वाला पंचम यूज़ कर रहा हूँ, और फिर अगले तीव्र मध्यम के बाद वाला पंचम ये यूज़ कर रहा हूँ, जिस वजह से ये काफ़ी स्मूथ हो गया है। अब सिर्फ अंगूठे के पंचम से हम इसी फ्रेज को बजाने की कोशिश करेंगे। अब आप देख सकते हैं अंगूठा बजाने के टाइम, अंगूठे का पंचम बजाने के टाइम मेरी ये जो उंगली है बांसुरी को और सपोर्ट दे रही है, इसलिए मुझे यहाँ पे इस हाथ को चिपकाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे जैसे वो फ्रेज ख़त्म हो जाता है, जैसे जैसे बांसुरी मेरे कब्जे में आती जाती है ऊपरी हाथ के, निचला हाथ वापस वो धैवत पंचम बजाने को तैयार हो जाता है। ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है, ये टीम वर्क है सातों उंगलियों का, और एक उंगली जब बजा रही है दूसरे उंगली को दूसरे हाथ से उसे पकड़ा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे आप कहाँ बजा रहे हैं, कौन सी जगह पे बजा रहे हैं, फास्ट फ्रेज बजाने के वक्त क्या होना चाहिए, ये आपको खुद बजा के आपके एक्सपेरिमेंट से आपको खुद सीखना बहुत ज़रूरी है। मेरे बताने से भी आ सकता है,
लेकिन हर चीज़ शॉर्टकट में नहीं होनी चाहिए, आपको इस चीज़ को वक्त देना पड़ेगा। ये मैं हज़ारों बार इसके पहले कह चुका हूँ और लाखों बार करोड़ों बार मैं कहने को तैयार हूँ, आपको वक्त दे करके इसे करना पड़ेगा। हर चीज़ को फास्ट फूड मत समझिए, हर चीज़ को एक्सप्रेस डिलीवरी मत समझिए, उस चीज़ की हमें आदत पड़ चुकी है टीवी से और फिल्मों से। प्लीज़ ये वो काम नहीं है, ये तपस्या का काम है, ये भक्ति का काम है, ये इश्क का काम है। प्लीज़ इश्क कीजिए तब जा करके ये चीज़ आपको मिलेगी, इसमें और कोई दूसरा तरीका नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। मुझे बहुत लोगों ने पूछा है टेल मी ए ईजी वे टू प्ले फास्ट फ्रेजेस, ईजी देर इज़ नो ईजी वे फॉर एनीथिंग। मुझे मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ज़रा इस चीज़ को कठोरता से कह रहा हूँ, लेकिन ये सच है और सच हमेशा कठोर होता है, कड़वा होता है। आपको इस पे ध्यान देना ही पड़ेगा, वक्त देना ही पड़ेगा, इसमें कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि आपने दिमाग में फीड कर लिया और बांसुरी बजाना आ गया, ये किसी के साथ नहीं हो सकता। तो अब मैं वापस ये पंचम के सिर्फ पंचम वाले अपना थंब वाले पंचम के इस्तेमाल से ये फ्रेज बजा के सुनाऊंगा आपको। अब इसको मैं तोड़ूंगा धीरे धीरे बजा के। अब इसे बहाव में सुनिएगा, अब आपने गौर किया होगा मेरा म ध पे वापस हाथ गया नहीं है। ये तीसरी दिक्कत है कि वो हाथ जहां पूरी तरह खुल गया है, बांसुरी से हट गया है, उसे वापस उसी जगह पे, वापस उसी जगह पे हर बार परफेक्शन के साथ ले आना, तब जाके वो धैवत मेरा बजेगा। अगर ये हाथ यहाँ कहीं बैठ गया तो वो धैवत तो बजने से रहा। तो ये तीसरी दिक्कत है, इसे भी प्रैक्टिस करके हम जैसे अंधेरे में भी किसी, अगर हमारे घर का कोई कमरा है और पूरा अंधेरा है और लाइट की स्विच हमें ढूंढनी है, तो हमें पहले कुछ दिन, नया अगर घर हो तो पहले कुछ दिन वो स्विच मिलती नहीं है, ढूंढना पड़ता है हवा में। लेकिन जब हम उस घर में काफ़ी टाइम से रह रहे हैं तो हमें अंधेरे में भी उस स्विच का पता, एग्जैक्ट उसकी उसकी जगह हमें पता होती है, हम जाके वहीं उस स्विच को ऑन करते हैं। या समझ लीजिए मेरे सर के पीछे अगर मुझे हाथ लगाना है तो मैं एग्जैक्टली उसी जगह, हम अपने सर के पीछा पिछला हिस्सा तो हम कभी देख ही नहीं सकते, फ़ोटो में देख सकते हैं लेकिन ऐसे तो देख नहीं सकते। जैसे हमारा, मैं अपना हाथ जैसे देख सकता हूँ वैसे तो मेरे सर के पीछे नहीं देख सकता, यहाँ एग्जैक्टली हाथ कैसे जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ मेरा सर का पिछला भाग है। उसी तरीके से आदत लगती है उस चीज़ की कि वहीं जाना चाहिए, वहीं जाना चाहिए, हर बार वहीं जाना चाहिए, तब जाके उसकी परफेक्शन निकलती है। फिर वही बात, लाखों करोड़ों बार इस चीज़ को करना चाहिए, जब तक हाथ में नहीं बैठ जाता पूरी तरह तब तक उसको करते रहना चाहिए। ये तीन दिक्कतें तो बेशक आती ही हैं हर बार, और मैं चाहूँगा कि आप कोशिश करें, जो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं पंचम का होल इस्तेमाल करने में, और वो प्लीज़ आप कोशिश करिए और नई कुछ और बातें निकाल के ले आइए। मुझे बताइए कमेंट्स में आपको और क्या दिक्कतें हो रही हैं, या आपको अगर कोई दूसरी अलग तरीके से सफलता मिली हो तो वो भी प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं जानने को उत्सुक हूँ। ये कला ऐसी है कि ये बाँटने से और बढ़ेगी, इसमें और बहुत ज़्यादा टेक्निकली, म्यूज़िकली और इंस्ट्रूमेंट के डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत सारी बातें और इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। तो इसमें हम सबका हाथ होना चाहिए, हम सभी बांसुरी वादक बंधुजनों का हाथ होना चाहिए। सो प्लीज़ आप भी कोशिश करिए, मैं बहुत ईगरली, मतलब बड़े उत्सुकता से आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। जैसे आप जानते हैं मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और जितना हो सके उतना मैं जवाब भी देता हूँ। या उम्मीद है कि आपको ये इससे कुछ मिला होगा, अपने सोच में इजाफा हुआ होगा आपके, और आप बेशक ट्राई करिएगा। एंड आई रियली रियली विश ईच वन ऑफ यू अ लॉट ऑफ सक्सेस, दोज़ हू आर ट्राइंग दिस आउट। और इसे इस छेद को बनाने की विधि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है, उस वीडियो को पूरी तरह पक्का देखें। मैं अभी तक फार्म ऑफ हैप्पीनेस से गया नहीं हूँ, मैं उसी जगह पे हूँ और इस जगह की पूरी तरह निचोड़ निकाल रहा हूँ मैं, कि हर वो जगह, जैसे आप देख सकते हैं और भी वीडियोस में, कि एवरी फ्रेम इज़ अ पेंटिंग, हर कोना इस जगह का, हर जगह यहाँ की इतनी खूबसूरत है, कि हर नज़ारा इतना खूबसूरत है कि
मैं मेरा मन ही नहीं कर रहा, मुझे कल सुबह जाना है वापस बम्बई, बट मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा यहाँ से निकल जाने का। और इस बात के लिए मैं राहुल जी को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसी एक जगह बनाई है, जो मैं काफ़ी ट्रैवल करता हूँ गाड़ी लेके ऐसे शांति की खोज में, जहाँ मैं घंटों रियाज कर पाऊँ, और ये जगह एक मुझे ऐसी मिली है जहाँ मैं उनको बहुत और तकलीफ़ देने के लिए आऊँगा, आया जाया करूँगा बार बार। और जाते जाते एक भेंट पंचम के होल के इस्तेमाल के साथ ये आपके लिए बजाऊंगा मैं। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो जाते जाते एक और बात मैं कहूँगा कि बहुत लोगों में ऐसा एक अभिप्राय है जहाँ उन्हें लगता है कि पंचम जो अंगूठे का पंचम जो है ये होल के इस्तेमाल की वजह से गायकी अंग जो मैं बजाता हूँ वो उसका असर ज़्यादा आता है। मैं इस बात से उसी हद तक सहमत हूँ जहाँ पर उस अंगूठे के पंचम के प्रयोग की बात हुई, उन्हीं फ्रेजेस के हद तक मैं इस बात से सहमत हूँ कि वहाँ पे मैं मानता हूँ कि गायकी अंग में बहुत ज़्यादा उसमें असर आ सकता है क्योंकि वो मींड मिल जाती है। बट बाकी जगहों पे जैसे धैवत, निषाद, ऋषभ, षड्ज, गंधार, इन सारे जगहों पे पंचम के होल का तो इस्तेमाल होता नहीं है, बट वहाँ पर भी वही सारी टेक्निकल बातें लागू होती हैं जो गायकी के लिए जो टेक्निक बजनी चाहिए। और एक और बात है कि ये अकेला गायकी का स्टाइल नहीं है, और भी लोग हैं जो बहुत अच्छा गायकी अंग बजाते हैं, पर इस टेक्निक में बाकी उंगलियों का भी उतना ही भाग है, सहभाग है, और उसमें भी उन सारी जगहों पे भी वही सारी बातें लागू होती हैं। सो हाँ, ये एक पॉइंट था जो मुझे बताना था, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने मुझे पूछा है कि यंग लड़के हैं जो बांसुरी सीखते हैं, उन्होंने पूछा है कि ये पंचम होल सर मैं भी करवा लेता हूँ तो मेरा भी गायकी अंग आ जाएगा। ऐसा नहीं है, पंचम होल करने से गायकी अंग नहीं आएगा, पंचम होल करने से मध्यम पंचम का मींड आ जाएगा आपको। सो थैंक यू वेरी मच यहाँ तक देखने के लिए, आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी।